बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बख्श शावानी है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ ऑर्थोपेडिक सर्जरी में। मैंने अपनी मेडिकल जो तालीम है, एजुकेशन है, वो मैंने आगा खान हॉस्पिटल से किया है। मैंने डिफरेंट एरियाज में काम किया है, जैसे कि चोट ट्रामा जिसको हम कहते हैं, एक्सीडेंट्स और चोट लगने वाले पेशेंट्स, और जोड़ों की तब्दीली, और कमर में भी काम सीखा है। और इसके अलावा जो है ना, मेरा मेन फोकस है वो बच्चों के कुछ बीमारियां हैं जिसमें बहुत कॉमन है, जिसमें जोड़ के बच्चों का पैदाइशी निकला हुआ जोड़, ये मेरी इंटरेस्ट है। सबसे पहले यहाँ पे जो ट्रामा है, ट्रामा यानी चोट वाले मरीज जिनमें एक्सीडेंट्स और हड्डी टूटना, वो पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा हैं, तो पहले उसको हमने जो इलाज ऑलरेडी जहाँ पे इलाज हो रहा था उसको मुझे महसूस हुआ कि उसको मजीद जदीद करना चाहिए। उसके बाद मैंने जो मेरे फर्दर इंटरेस्ट था जॉइंट रिप्लेसमेंट पे, वो मैंने शुरू किया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने घोड़े बदलता हूँ, नीज जॉइंट्स रिप्लेसमेंट करता हूँ, मैं हिप रिप्लेसमेंट करता हूँ, तो जिसमें मुझे कॉम्प्लिकेशन का सामना शुक्र अल्लाह का नहीं हुआ है और वो भी मैं कर रहा हूँ। और इसके अलावा मेरा मेन इन दो के अलावा मेरा मेन फोकस, जैसे कि मैं बता रहा था, बच्चों के पैदाइशी जो जोड़ खुले निकलते हैं जिसको हम DDH कहते हैं, उस पर मेरा काफ़ी तवज्जो है, मेरा काफ़ी काम है। तो साथ साथ इन सर्जरीज को करने के साथ साथ अपने आप को मैं अपडेट रखने की बहुत कोशिश करता हूँ। उसके लिए हमें कॉन्फ्रेंसिस अटेंड करने पड़ते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करने पड़ते हैं, और अपने जो प्राइमरी हमारा इंस्टीट्यूशन है यानी आगा खान, उससे इन टच रहना पड़ता है ताकि हम वक्त के तकाजों के साथ जो जदीद इलाज हैं उनके साथ हम इन टच रहें। जॉइंट रिप्लेसमेंट जिसको जोड़ कर तब्दीली कहते हैं, उसमें यह है कि आपको पहले तो आपको मरीज को देख उसके लाइफ स्टाइल को उस तरह करना है कि ऑपरेशन के काबिल हो। जैसे कुछ लोगों घर में चेयर नहीं है, कुछ लोगों घर में कमोड नहीं है, तो उसको मैं घोड़े तब्दील कर लूँ या कूले तब्दील करूँ तो वो उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इसके लिए पहले तो मुझे उसको काउंसलिंग करना पड़ता है कि भाई आपके घर में लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, कुर्सी कमोड और क्या कहते हैं नमाज के लिए आपको जो है ना चेयर यूज़ करना है। उसके बाद जब मैं ऑपरेशन के लिए मरीज को देखता हूँ कि उस ऑपरेशन से उसको फ़ायदा हो सकता है, तो फिर मैं उनके फाइनेंशियल स्टेटस को देख के और उनको मिनिमल चार्जेस लेके ऑपरेशन करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब आपने ऑपरेशन में प्लानिंग किया हो और आपने उस मरीज़ के हिसाब से प्लानिंग किया हो, तो अब मरीज़ जो है ना आपके बहुत खुश होते हैं, अभी आप मेरा ऑपरेशन तो कर रहे हैं, मैं कितने अरसे में चलने के काबिल हो जाऊँगा, तो वो उसको हम ऑपरेशन के दूसरे तीसरे दिन चलाना शुरू कर लेते हैं। कुछ कंडीशंस में जिसमें आपका सर्जरी में थोड़ा सा बोन हड्डियाँ कमज़ोर हो तो हम कुछ दिन तक ज़रा अवॉइड करते हैं, लेकिन अदरवाइज हम इनको आम चलाना शुरू करते हैं। फिर मरीज़ 3-4 हफ्ते में अपने रूटीन लाइफ में आ जाते हैं। अगर अच्छा सा फिजियोथेरेपी कराते हैं, वूंड के टांके वगैरह निकलने के बाद मरीज़ दिन ब दिन बेहतर चलना शुरू कर लेते हैं। जैसे मेरे कोई रिलेटिव हैं लाहौर में या मेरे कोई रिलेटिव हैं मुल्तान में, तो मुझे नेट पे जाकर चेक करना पड़ता है कि यार मुल्तान में किसी इस चीज़ के कौन है डॉक्टर, तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हमारा जैसे फोरम है, इसमें हमें ये प्रॉब्लम बहुत फ़ायदा ये होगा कि जिस सिटी में आप फेमिलर नहीं है, तो उस सिटी में आपको एक डॉक्टरों का एक इंट्रोडक्शन मिल जाता है कि ये डॉक्टर है और इसका ये मेनली काम है। तो हम कोशिश करें कि इसको उसको प्रमोट करें।